जमीन विवाद के निराकरण न होने से आहत एक किसान ने शुक्रवार दोपहर मोहखेड़ तहसील कार्यालय में जहर का सेवन कर लिया। जहर खुराने की ये दूसरी घटना है। इसके पूर्व 7 दिसंबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी किसान ने जहर का सेवन किया था। किसान को मोहखेड़ अस्पताल से प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। नरसला निवासी किसान नरेश पवार शुक्रवार दोपहर जमीनी विवाद के प्रकरण में मोहखेड़ तहसील गया था। यहाँ उसने मामले का निराकरण न होने का हवाला देकर जहर का सेवन कर लिया। नरेश घर से अपने साथ जहर लेकर निकला था। पीड़ित नरेश का आरोप है कि राजस्व अधिकारी ने उसके प्रकरण का कोई निराकरण नहीं किया है। इस वजह से उसने पहले कलेक्ट्रेट और अब मोहखेड़ तहसील कार्यालय में जहर का सेवन किया है। किसान के जहर खाने से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। तहसीलदार द्वारा तुरंत किसान को मोहखेड़ अस्पताल भेजा गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल की आईसीयू में भर्ती कर किसान को इलाज दिया जा रहा है। इलाज के बाद किसान की हालत सामान्य बताई जा रही है। आज क्या हुआ कि फिर से जहर खाना पड़ा? आज भी वही हुआ कि पेशी, उन्होंने बताया कि पहले से है। आज पेशी पे मैं ऐसे ही गया था काम से, तो वो वहाँ से फोन आया फिर कि आज पेशी है। गया वहाँ, तो वहाँ वो पक्षकार जो आपत्ति करता है वो हंसने लगे। बाद में मेरी साइन जैसे ही लिया उसका वकील, तो बोले अब तो फंस गया, बोले अब तो ये गया, बोले तो जहर साथ में ले गए थे। मैं साथ में ले गया था, मैंने बोल के गया था। नरेश की जमीनी विवाद के प्रकरण में सुनवाई की जा रही है। प्रकरण में आपत्ति आई थी। शुक्रवार को नरेश को आपत्ति की कॉपी देकर अगली पेशी में पक्ष रखने कहा गया था। परिसर से बाहर जाने के बाद उन्होंने जहर का सेवन किया है। तहसीलदार के माध्यम से किसान को अस्पताल भेजकर इलाज कराया गया।